नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना प्रथमे देखिवा कोन रहिछ आजर हेडलाइन्स वर्षा परे सात नदी रे बढुछि जलस्तर विपद संकेत उपरे ब्राह्मणी व जलका जाजपुर माटियापडा रे दुईटी घाई आनिला विपद पानी घेर रे अनेक जीवन ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल रो बड़ गुमर एमके सीजी रे अंधारी चिकित्सा मोहम्मती लगाई रोगी देखिले डाक्टर विद्युत विभ्राट जोगो कैंसर वार्ड आउटडोर अव्यवस्था आज आरंभ हेबो नुआ संसद टीवी उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा व राज्यसभा टीवी मिश्रण रे नुआ टेलीविजन जोगो उभय गृहर अधिवेशन रहबो सीधा प्रसारण दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ सफलता तीन राज्य छह आतंकी गिरफ पाकिस्तान प्रशिक्षण नहीं दुई आतंकवादी जबत है विस्फोरक अस्त्रशस्त्र टार्गेट थिला पार्वण में बड़ विस्फोरण एवं बदल भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय ठिकना दिनक पर 7000 अधिक कर्मचारी जिबे नूतन कोठा तीन सेनार 37 कार्यालय रायसीना हिल अंचल को स्थानांतर 775 कोटी टंकारे निर्माण होईछि दुईटी नुआ बहुमहला विशिष्ट कोठा संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य में बढ़ुछि विभिन्न नदीर जलस्तर सतर्क संकेत उपरे प्रवाहित होउछि ब्राह्मणी व बैतरणी वर्तमान विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउछि जलका व ब्राह्मणी ब्राह्मणी बैतरणी देवी कुशभद्रा बुढ़ा बलंग सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या जलका महानदीर जलस्तर वृद्धि पाउछि नराज ठारे महानदी धीरे धीरे जलस्तर बढ़ुवा देखा मिली जहाँपर सतर्क नजर रखिंट राज्य सरकार सेपटे हीराकुद उपर मुंडे वर्षा बढ़ाऊ चिंता हीराकुद उपर मुंडरे वर्षा चिंता बढ़ाऊ राज्य में विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़ुची विपद संकेत उपरे ब्राह्मणी एवं बैतरणी एपर नजर रखा जाई विशेषकर सात नदी में जलस्तर बढ़ुवा परिलक्षित होउची वर्षा परे पानी घेर रे अनेक जीवन जलबंदी अवस्था अनेक इलाका जहाँ चिंता व्यक्त कराऊ हीराकुद उपर मुंडरे वर्षा चिंता बढ़ाई राज्य में विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़ुवा लक्ष्य कर लघुचाप जनित लगाण वर्षा पर मयूरभंज ठाकुर मुंडारे लोकों दुर्दशा चंपाझर पंचायत डंगाढ़िया गांव में अनेक घर भुशुड़ी सालंदी नदी में जलस्तर वृद्धि जो गांव बंगाली साही व घुटु साही बाह्य जगतर विच्छिन्न हो आगे जो ब्रिज बाउंश पोल थी से आम बड़ जाए भी जावासवा करें बर्तमान जो बात्यार भांगी देला सब ब्रिज मैं आम बाउंश पोल से द्वारा आम हो बहुत संपूर्ण असुविधा मैंने कौन सी लोक जावासवा कि मेडिकल फेडिकाल कि अलग जो असुविधा तीन दिन है गत रात आग रात बर्तमान सर आम जो मैंने अच्छा गर्भ अवस्था से माने मेडिकल को जाई पारुना एवं जो माने जोर होते से माने जाई पारुना एवं दुकान मध्य ना तो सहित जो माने दरिद्र सीमार कतर अच्छा गरीब लोक से माने के रकम मेंटे होते केवल से माने ही जानते तो से जमती जल्दी आम कलबेट फुलटा हो जातु खोर्धार मलागुणी नदी विपद नदी जलस्तर बढ़ी ठार सठीपदर गाँ बाह्य जगतर विच्छिन्न होइछि बन्यापाणी रास्तारे प्रवाहित होता देखा मिली जो यातायात ठप दुई दिन हेब संपूर्ण जलबंदी में रही गाँ लोक तेरे वर्षा छाड़ जावापर ए गाँवर अनेक परिवार वर्तमान सुधा पानी घेर में रही बहु असुविधार अच्छा आम फर्णीठ बहु असुविधार अच्छा इनक बनिया आईला आम घर भागी सहायता सरकार सहायता किसी मिलनी बहुत असुविधार अच्छा कुआडे जापारू घर बाहर पार्न घर भितर भी पानी पशि जाइए आ खाया पीना भी बहुत असुविधा चूड़ा जोड़े आईलु आई भी आसी ना सरकार तरफ कहीं आसी ना सरपंच आसते से मुँह देखी देखी पड़े पानी घर भितर आम अच्छा एपर् गवर्नमेंट कौन सहयोग आमको मिलना कि कौन लोक आसिक देखा दर्शन एपर्त मिले
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାତ ଆଠ ଘର ଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମର ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକା ତୁରନ୍ତ ଆମର ସ୍ପଟକୁ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। दक्षिण ओडिशार बड़ मेडिकालर बड़ गुमर एमकेसीजी में पुणि देखादेला अंधारी चिकित्सा महमबत्ती और टर्च लगाई करा जाउछि चिकित्सा। ब्रह्मपुर एमकेसीजी हस्पिटाल कैंसर वार्ड आउटडोर रोगी को अंधारी चिकित्सा दि जाइछि। गच्छ लागि विद्युत विभ्राट जो विद्युत कटा जाइथिला तेणु चलला अंधारी चिकित्सा। दीर्घ दिन हेब कैंसर वार्ड को जेनेटर संयोग हो पाला ना एकाधिक रोगी गहली हेतु बाध्य एमती चिकित्सा करागला। सामान्य जुक्ति तर्करु दुई जणकु खंडारे हाणिला दुर्बृत्त। ब्रह्मपुर जगबंधु साहिर ये होउछि अघटन। आक्रमणर शिकार होइछंती सासु एवं ज्वाई। ज्वाई सोनू ब्रह्मपुर एमकेसीजी रे भर्ती होइथिबा बेले सासु ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल रे भर्ती। तेबे बलिया नामक जणे युवकंक सहित सोनूंक सासुंकर किछि जुक्ति तर्क होइथिला परे सोनू घटनास्थलकु जिबारु प्रथमे तांकु एवं तापरे सासुंकु खंडारे आक्रमण करिछि दुर्बृत्त। बढ़ुची ब्राह्मणी बैतरणी नदीर जलस्तर विपद संकेत उपरे बहुची ब्राह्मणी। जाजपुर रसलपुर ब्लक बंधडीह पंचायतर बणिय साइठारे ब्राह्मणी नदी घेरीबंध भांगी सृष्टि होइछि घाई। सेभली बैतरणी नदीर जलस्तर मध्य वृद्धि पाउछि। अनपटे लगाण वर्षारे राज्यर 20 जिल्लार 111 ब्लक प्रभावित होइछि। ता सहित 3696 गाँव मध्य प्रभावित। सेभली रसलपुर ब्लक बंधडीह पंचायतर बणिय साइठारे ब्राह्मणी नदी घेरीबंध भांगी सृष्टि होइछि खाई। बाबद अधिक सूचना पाई सत्यरंजन कर आमर प्रतिनिधि सीधा सड़क जोड़ी होती आम सहित। सत्यरंजन अनेक जगार ए चित्र सामना को आसुची जे घाई सृष्टि होइछि। नदीकूलिया अंचल लोक मैंने विशेष भाव में विपद संकुल अवस्था दिन काटुंट कौन अपडेट रोच। देखो स्मृति लग्ना आमे बरी ब्लॉक रो साउपड़ा पंचायत रो माटियापड़ा गाँव में अच्छू जोठी की 500 फुट घाई होती किंतु आमे से घाई पाखरे पहुंच पारुनो कारण 500 फुट रो घाई रो डाण को एवं बारे माने तार दुई साइड रे छोट छोट घाई होती आपण देखि पारथुबे घाई होती जो घाई को पार है कि आमे से पटे पहुंचबा संभवपर हो पारुनी। तथापि आमे जो घाई पाखे अच्छू से आसंता गत वर्ष जो बनिया हेतला से बनिया रे मध्ये से ठीक जगह रे एठी घाई हेतला एवं पुणे आमर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट तरफ घाई मरामती बनिया से ठीक से जगार घाई होती जहाँ ये अंचलवासी मान अच्छा लोक मैंने राति सारा ये जगिकी रही केमी घाई न हो से जगिकी रही बेले प्रशासनिक अधिकारी मैंने आसी नहाँ जहाँ लोक मैंने कहते कौन सरकारी कि प्रशासनिक अधिकारी मैंने आसी नहाँ आम सांगे अच्छा ये अंचल लोक मैंने अच्छा आम पचार बुझा से कौन कहते कौन कौन घाई केमी केत घाई कह घाई तो भाई मेन कथा बर्षा पा बोली भाविले लोक कौन रात अढ़े कौन जस्ट 500-600 मीटर दूर देखते आप स्विच गेट गोटे अच्छी टोटाली गाँ भर भी पानी चलती गाँ मान एम पानी चलती आम तो निजे देख पाते शह शह हेक्टर जमी थी धान देखो पाची आप निजे निपटे देखो शह शह हेक्टर आखू आर थर तो जहाँ नष्ट होता देखते पूरा सब पड़े जाए। स्मृति लग्ना मो एबे कैमरामैन को अनुरोध करू छी देखैबे ब्राह्मणी नदी रो करल रूप देखंतु को रूप रे से के भयंकर रूप नै कि आसु छी जहा को माने एबे 500 मीटर 500 फुट रो घाई हेतले मध्ये पाखा पाखी 5-6 टा घाई हेतलानी आउरी केते घाई हबो किछि कहि होउनी आकलन करि होउनी। वर्तमान आउ जने आम संगे अछंती बंधु जे कि से कहिबे कोन प्रकृत प्रकृत कोन घटना एठी आइछि केते बेले घाई हेला केतेटी घाई हेछि ए विषय रे ठीके आमे तांगर सुनिबा। बर्तन आप देखुए यहाँ साउपड़ा पंचायत रटियापड़ा गोटे डिपेड कर रास्ता बर्तन ये 500 मीटर एबव्रु गए गाई हो सारे इरीगेशन डिपार्टमेंट कौन एपर्यंत कौन सी डिपार्टमेंट आसीना तो आप देखते चाषी मैंने भी ये बहुत धान ये करते दुर्गे
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯାହା ହେଲାଣି ଆଗକୁ କୌଣସି ନା ବାଲିର କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ତଳ ରୂପ ଘାଇ ହେଲା ପରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଘାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଫୁଟର ଘାଇ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉ ଘାଇରେ ବନ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ପଶିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଠି ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଆଖୁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ତାଡିକି ନେଇଯାଇଛି କେତେ ଦୂରରେ ପକେଇଛି ତାର ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲରେ ଏବଂ ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜାଗା ଘାଇ ହବ କିଛି କହି ହଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯାହା ସାଥୀ ମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ବାଲି ବସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଣିକି ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ରାତି ଦଶଟା ବେଳେ ନଈରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସିଛି ଏବଂ ମାନେ ରାତି 12 ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ନଈରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ବନ୍ଧକୁ 2015 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବା ଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦର ଆଉ 6 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 12 ଗେଟ୍ ଖୋଲିସାରିଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦର ଆଉ 6 ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ମୋଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 12 ଗେଟ୍ ଖୋଲିସାରିଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ହୀରାକୁଦ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି କିଭଳି ଦେଖିବା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଆମେ ଲଗାତାର 2 ଧରି ଏଇ ବନ୍ୟା ଉପରେ ନେଇକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିସାରିଛୁ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଲାଗି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 628.10 ଘନ ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ 298,81 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତା ସହିତ 1,26,551 ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପରମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ସର୍ବମୋଟ 12 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି 12 ଗେଟ୍ରୁ 8 ଗେଟ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 4 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ ଆଗକୁ ଆଉ ତଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ହେଉଛି କି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବା ଅଡ୍ରା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାରୁ ଇଆଡ଼େ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉଛି ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ନିହାତି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯିବ ତ ନିହାତି ସରକାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା କି ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେବାର କଥା ବା ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଧେଇ ଯିବେନି ବା ନିଜ ନିଜ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବେ ବା ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଥିପାଇଁ ନଜର ରହିଛି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋଟ 12 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ବଦଳିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଠିକଣା ଦିନକ ପରେ 7,000 ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଯିବେ ନୂତନ କୋଠା 3 ସେନାର 37 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 775 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 2 ନୂତନ ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଏନେଇ ସୂଚନା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର 2 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 2 ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ 1500ରୁ ଅଧିକ କାର୍ ପାଇଁ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା
केन्द्रीय विस्ता प्रकल्प अधीन गृह व नगर उन्नयन मंत्रालय द्वारा निर्मित नूतन अट्टालिका एक आधुनिक परिवेश अनुकूल सबुज परिवेश प्रदान करिबो बोली कहा जायछि। प्रकाश पाइला जे मेन रिजल्ट 2021 अधिवेशन चारिर फलाफल घोषणा 44 जन छात्र छात्री 100% पास से भली रैंक 1 रे 18 छात्र छात्री पास करिसेंती। चलित वर्ष परीक्षा देथिले 732,000 छात्र छात्री। तेबे jmain.nta.ac.in रे फलाफल उपलब्ध रहछि। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुषित हो केन्द्र कैबिनेट बैठक दिन 11 बैठक बसिपे। टेलिकम क्षेत्र पर स्पेक्ट्रम बकिया देय उपरे मोराटोरियम सुविधा प्रदान करने को बैठक में होपे आलोचना। वोडाफोन आइडिया भली कंपनी गुड़िकारा बड़ आश्वस्ति मिल बास्तव में वोडाफोन आइडिया को अतीतर विधि हिसाब से हजारे कोटी टंका देवाक पड़िबो। केंद्र सरकार आज बैठक में टेलिकम कंपनी गुड़िकु स्पेक्ट्रम बकिया देयर सुध को सरकारी इक्विटी रे 4 वर्ष पर रूपांतर करिबार विकल्प दिया जाई पारे। दिल्ली यूपी महाराष्ट्र रु 6 जन आतंकवादी गिरफ होइतबारु एहा उपर मध्य आलोचना करि पारंती प्रधानमंत्री। आगामी 5 राज्यर निर्वाचन को आखि आगरे रखि केन्द्र कैबिनेट नहीं पारे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। ए बाबद अधिक सूचना पाई गगन विश्वाल फोन लाइन रे अछंती। गगन को प्रस्ताव आज आलोचना होई पारे कैबिनेट रे को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई पारे बोली आमी आशा रखिबा। निश्चित भाव जो पूर्व कैबिनेट बैठक देखिए कृषि क्षेत्र गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं रवि फसल जो एमएसपी वृद्धि कराइला तेज आज जो मीटिंग होगा जाऊँगी निश्चित भाव टेलिकम सेक्टर में किसी गुरुत्वपूर्ण स्टेप नहीं पारती केंद्र सरकार खास कर जो टेलिकम सेक्टर में जो बकिया देय को लेकिन जो कथा सुप्रीम कोर्ट में बारंबार कथा आसू जो कथा को लेकिन जीओ पर केस चलती तेणु से मेरिटोरियम सुविधा को लेकिन किसी कोहल दे पारती किंवा जो कंपनी उपरे अनेक पेंडिंग राशि रही केंद्र सरकार जो कि जो अर्थ केंद्र सरकार पाइबे ताकू नहीं कि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती केंद्र सरकार खास कर वोडाफोन आइडिया भली कंपनी गुड़िक जो मैंने अनेक लसेस चलते जीव जो प्लानिंग कर स्मार्टफोन को ही से रखे जो अदर जो 2G सिम रही अपोल्ड करने गोटे चाहूंट गोटे प्रेसर सृष्टि करो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार हूं तो किसी निष्पत्ति नहीं पारती देखिए वोडाफोन हो आइडिया हो अनेक कोटी टंकार से अर्थराशि पेंडिंग रखिंट सुप्रीम कोर्ट में केस चलती तेणु या पर निश्चित भाव किसी सेक्टर बकिया सुध को लेकिन जो इक्विटी कथ आस 4 वर्ष में रूपातर करने विकल्प व्यवस्था केन्द्र सरकार दे पारती कहीं से सीधा सड़क कौन जेहतु से लसेज चलती तेणु से बकिया राशि को देखो निश्चित भाव 5 राज्य जो आगो को निर्वाचन रही राज्य गुड़िक अनेक डिमांड रही केंद्र सरकार पाखे निश्चित भाव से क्षेत्र में केंद्र सरकार किसी स्टेप नहीं पारती आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखी किभली भाव देखिए गत काली जो टेरिस्ट मैंने गिरफ होती तेनाली राष्ट्रीय सुरक्षा कथा आसूसी तेज निश्चित भाव तार विकल्प व्यवस्था रही केंद्र सरकार पाखे अन्य बैठक रही कि आज जेहतु कैबिनेट बैठक रही नजर रही समस्त हुए तो कैबिनेट बैठक में जेहतु गृहमंत्री रे सुरक्षा मंत्री रे तेणु सब विभाग जेहतु मंत्री उपस्थित रोचते तेणु किसी इनपुट को लेकिन आलोचना करपारती प्रधानमंत्री सुचना। बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल दिल्ली प्रतिनिधि अधिक सूचना दौले। कथारे अछि रखे हरि तो मारे किए ब्राह्मणी नदी में बन्या जल में भासी आसुथबा नाबालक जीवित अवस्था उद्धार उद्धार कले जाजपुर जिला जेनापुर थाना एंडलबा अंचल नाउरिया एवं स्थानीय लोक गभीर नदी में दीर्घ 20 किलोमीटर जलयात्रा करने उद्धार हो पारिछन्ति। एंडलबा अभिमन्यु दास निकट को ढेंकानाल जिलार पथरकणी गांव एक फोन कल आसीथिला कि जने पिला ब्राह्मणी नदी बन्या जल में भासी जाउछि। ए खबर पाई गांव किछि लोक नाबिक भाई को जनाइथिले ब्राह्मणी नदी कूल एंडलबा घाटे नाबिक भाई और स्थानीय लोक अपेक्षा करि रहिले।
दीर्घ दुई घंटा पर नदी भितर एक हाथ हलाइबार दृश्य आसला सामनाकु। सांगे सांगे पाखरे थिबा डंगा को नहीं नदी भितर को चली जाइथिले सेमाने। सेठारु 5 किलोमीटर तले बालिकुदिया नदी कूल में उक्त नाबालक को जीवित अवस्था उद्धार करागला। डंगारे नहीं आसी कूलक एक समस्त को आश्चर्य कर दीर्घ 20 किलोमीटर जलयात्रा पर बालक जीवित। कामरे असुनी झोट निगम समिति चिंतारे केन्द्रापड़ार नलिता चाषी। चाषी कौन कामरे झोट निगम सोसाइटी आसुन अभियोग झोट निगम निष्क्रियता चाषी हताश होती देखा रिपोर्ट। कामरे आसुनी झोट निगम समिति चिंतारे नलिता चाषी। देखु केन्द्रापड़ा जिलार मार्सागे ब्लक भारतीय झोट निगम सोसाइटर बास्तव चित्र। केन्द्रापड़ा जिलार झोट चाषी मैंने निर्भर करुवा यह सोसाइटर व्यापक अनियमितता होता नहीं अभोग कर मार्सागाई महाकालपड़ा और गदरपुर अंचल नलिता चाषी। नलिता चाष गोटे लाभदायक फसल होता बेले चाषी मैंने नलितारु झोट समेत जाड़ेणी काउरी झोट निगम पक्षर नलिता चाषी मान नलिता मंजी समेत सार कीटनाशक औषध जोगाई देवा सह प्रशिक्षण देवार व्यवस्था थी बेले मार्सागाई झोट निगम कार्यालय अनेक समय खोलूना सुविधा मिलूना भाग चाष कर बना फनिया भी आम जो चाषवास होना करेघ हेल्ले भी भासी जाऊँ मेघ ना मरुड़ी हो प्रकार भी किसी सहयोग पाऊन जमी पंचायत एरिया कालिया योजना भल मंद पाच से भी किसी पाऊन बहुत दिन आसिले भी से देखा करू ना देखा दौना आम दौड़ दौड़ कि आमको एपर्तंत कौन से दिन कौन से मंजी किले हो कि कौन से साजर्त आम पाइबर ना झोट ये सब आम कि पाऊना आज्ञा जान ला आज्ञा सार तो आमको किसी दौना आम ये पड़ रही चु आमुक पचर ना कि ना आलता ताश ना कि ना मंजी दौना मंजी दौना आज्ञा चाषी मैंने कौन सहायता न पाई बाहर बजार नलिता मंजी चढ़ा दर क्रय कर नलिता चाष कर मार्सागाई ब्लक भारतीय झोट निगम कर्मचारी मान खामख्याली मनोभाव और कार्यालय अनुपस्थित चाषी मैंने प्रोत्साहन पाइबार वंचित होगास दलाल को सरकार निर्धारित मूल्य ठार् कम दाम बिक्री करुवा अभोग कर गोटे दुखद घटना हूँ नलिता चाषर गवेषणा केन्द्र केन्द्रापड़ा जिले में मार्सागाई ब्लक झोट निगम अफिस् किंतु ना ही झोट निगम ऑफिस खोलुची ना ही चाषी माने से उपकृत होती। हजार हजार हेक्टर जमीन में नलिता चाष कर निजर परिवार गुजरण मेटा बेले झोट निगम निष्क्रियता चाषी माने हताश हो पड़ी। प्रशासन केबे यहा उपरे नजर देव ता देखा बाकी रहा। केन्द्रापड़ा प्रभात लंका रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलेटिन के ठकबा बिदा दियंतु नमस्कार।